हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुयश और आज हम बनाने वाले हैं गार्लिक मशरूम्स। सौतेत मशरूम्स इंग्लिश ब्रेकफास्ट में एज अ साइड बहुत पॉपुलर है। हम उस डिश को थोड़ा और फ्लेवरफुल बनाने वाले हैं और इस डिश को आप एज अ साइड तो खा ही सकते हैं, उसके अलावा स्नैक्स में, पार्टीज में रखिए या फिर एज अ फुल मील भी खा सकते हैं। बाकी बातें करने से पहले, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जो नीचे रेड बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो चलिए बाकी बातें किचन शेल्फ पे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स। गार्लिक मशरूम बनाने के लिए हमें चाहिए मशरूम्स, उसके साथ में गार्लिक, ग्रीन चिली, अनियंस जिसको मैंने चॉप करके ऑलरेडी रखा हुआ है, बटर, रोजमेरी, साथ में मैं यूज़ करूँगा ड्राइड मिक्सड हर्ब्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। सबसे पहले एक पैन लीजिए, प्रेफरेबली हैवी बॉटम एंड नॉन स्टिक। उसमें हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। अगर आपको उसको हेल्दी वर्जन बनाना है तो आप पूरी कुकिंग ऑलिव ऑयल में कीजिए, नहीं तो इसमें बटर ऐड कर दीजिए। उसके बाद पैन को हीट अप होने दें। एक बार जब पैन हीट अप हो जाएगा हम उसमें चॉप गार्लिक और चिलीज डालेंगे एंड उसको अराउंड 20-25 सेकेंड्स के लिए कुक करेंगे टिल द टाइम गार्लिक की खुशबू ना आ जाए। नेक्स्ट इसमें हम चॉप्ड अनियंस डालेंगे और हाई फ्लेम पे 30-40 सेकेंड्स के लिए इसको हम कुक करेंगे। बीच बीच में हल्का सा टॉस करेंगे ताकि कुकिंग हमारी पूरी इवन रहे। जब प्याज हमारी हल्की सी पक जाएगी उसमें हम डाइस्ड मशरूम्स डालेंगे। इफ यू वांट तो आप मशरूम्स को बिना कट करे भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में इसमें नमक ऐड कीजिए, जितना आप नॉर्मली खाते हैं उससे थोड़ा सा कम ऐड करना है। मैं एक टीस्पून से थोड़ा कम ऐड कर रहा हूँ। नमक कम इसलिए रखना है ताकि बाकी फ्लेवर्स इसके इंटैक्ट रहें। इसको हम बिना कवर करे अबाउट 5-10 मिनट्स कुक करेंगे, जब तक मशरूम्स का पानी एवेपोरेट ना हो जाए। कुकिंग के टाइम मशरूम्स पानी रिलीज़ करेंगे और वो हमें एवेपोरेट करना है। तो जब तक हमारे मशरूम्स कुक हो रहे हैं उनकी न्यूट्री फैट्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मशरूम्स आर फुल ऑफ विटामिंस एंड अ गुड सोर्स ऑफ सॉल्युबल फाइबर। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप वेजिटेरियन हैं और डाइट पे हैं, मशरूम्स आर अ गुड ऑप्शन फॉर यू बिकॉज दे आर लो ऑन कार्ब्स एंड कैलोरीज। बस बटर की जगह आप हेल्दी ऑयल यूज़ कर लीजिए, जैसे ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल, एंड इट्स अ परफेक्ट डिश फॉर एनी ऑफ योर मील्स। अपनी डिश चेक कर लेते हैं एक बार टॉस करके। दे लुक नाइस एंड शाइनी बिकॉज ऑफ बटर। एक्स्ट्रा जो वाटर था सारा सूख गया है उसका। नाउ वील जस्ट ऐड सम सीजनिंग्स जो कि मिक्सड हर्ब्स में इसमें ऐड कर रहा हूँ। एंड वोट करने के बाद मैं इसको फाइनल टॉस दूंगा और फिर प्लेटिंग करूंगा। दोस्तों ये थी गार्लिक मशरूम की रेसिपी। सिर्फ 3 मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको, अनियन, गार्लिक और मशरूम्स। फ्लेवर्स के लिए आप हर्ब्स अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, रोजमेरी, थाइम, फ्रेश बेसिल, कोई भी आप डालिए और एक्सपेरिमेंट कीजिए। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।